अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, हाउ आर यू डूइंग? दिस इज़ फरहान एंड यू आर वॉचिंग इंग्लिश विद फरहान। व्यूअर्स, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज हम सीखेंगे कि मच और मैनी में क्या डिफरेंस है, हाउ मच और हाउ मैनी में क्या डिफरेंस है, और हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन में क्या डिफरेंस है, इसको कैसे यूज़ करते हैं और सेंटेंस फार्मूलेशन में इसका फंक्शन क्या है। सो टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। आज के टॉपिक में जो सबसे फर्स्ट चीज़ है वो है मच वर्सेस मैनी, यानी मच कहाँ पे यूज़ होता है और मैनी कहाँ पे यूज़ होता है। सबसे पहली चीज़ जो जहन में रखनी है कि मच और मैनी का मीनिंग क्या होता है। मच और मैनी बहुत ज़्यादा, काफ़ी इन मीनिंग में यूज़ होता है, लेकिन मच मिकदार के लिए यूज़ होता है और मैनी तादाद के लिए यूज़ होता है। यानी जहाँ पे हमने किसी चीज़ की मिकदार ज़ाहिर करनी है ज़्यादा के मीनिंग में, यानी काफ़ी ज़्यादा तादाद, तो फिर हम मैनी यूज़ करेंगे। अगर काफ़ी ज़्यादा मिकदार होगी तो फिर हम मच यूज़ करेंगे। सबसे पहले ये देखें कि मच जो है वो मैस नाउन्स के साथ यूज़ होता है, जैसे मच वाटर, मच टाइम, मच मनी। मिकदार, जहाँ पर मिकदार होगी उन नाउन के साथ यूज़ होता है मिकदार वाले। और वो जो मिकदार वाले नाउन्स होते हैं वो नन काउंट नाउन्स होते हैं, यानी वो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, उनको गिना नहीं जा सकता। और इसके साथ, यानी मच के साथ जो भी हम नन काउंट नाउन लगाते हैं, यानी अनकाउंटेबल नाउन लगाते हैं जिसको गिना नहीं जा सकता, जिसकी मिकदार होती है, वो सिंगल लगाते हैं। जैसे मच टाइम, टाइम्स नहीं आ सकता, मच मिल्क, मिल्क्स नहीं आ सकता। इसी तरह जो मैनी है वो काउंट नाउन्स के साथ आता है, क्योंकि ये तादाद को जाहिर करता है और तादाद गिनी जा सकती है, जो मिकदार है वो गिनी नहीं जा सकती, वो मेयर तो की जा सकती है। तो मैनी काउंट नाउन्स, यानी ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकें और काफ़ी ज़्यादा तादाद बताने के मीनिंग में हम इस्तेमाल कर रहे हों वहाँ पर यूज़ करेंगे। आई हैव ड्रंक मच मिल्क। अब देखें, मिल्क की मिकदार होती है, तादाद नहीं होती। तो मैं काफ़ी दूध पी चुका हूँ या मैंने काफ़ी ज़्यादा दूध पी लिया। आई हैव ड्रंक मच मिल्क। आई डोंट हैव मच टाइम। अब यहाँ पे टाइम की मिकदार है। जैसे हम मैनी टाइम्स लगा लेते हैं, लेकिन अगर वो टाइम जो है टाइम्स आएगा फिर साथ, जैसे आई हैव मेट हिम मैनी टाइम्स, तो वो वहाँ पे बड़ी दफ़ा यानी तादाद आ जाती है। यहाँ पे मिकदार है। ही हैज़ ईटन मच बिरयानी। डू यू ईट बिरयानी? तो हाउ मच बिरयानी डू यू ईट? ही ईट्स मच बिरयानी। तो मिकदार जो है वो ज़ाहिर कर रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैनी है। मैनी तादाद को ज़ाहिर करता है और काउंट नाउन्स के साथ आता है, काउंट नाउन यानी काउंटेबल नाउन्स के साथ। इसकी फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे आई हैव ड्रंक मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर। अगर हमने वाटर या मिल्क लगाना है तो फिर हम मच लगाएंगे। ग्लासेस काउंट नाउन है तो हम उसको इस तरह से यूज़ करेंगे कि आई हैव ड्रंक मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर, यानी गिने जा सकते हैं, मिकदार नहीं है तादाद है। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल है इसकी, ही हैज़ ईटन मैनी प्लेट्स ऑफ बिरयानी। अब यहाँ पे देखें, मच बिरयानी है, यहाँ पे मैनी प्लेट्स ऑफ बिरयानी है। मच मिकदार को ज़ाहिर कर रहा है, मैनी तादाद को ज़ाहिर कर रहा है। तो आई डोंट हैव मैनी बुक्स, तो आई हैव मच बुक्स नहीं कह सकते, क्योंकि बुक्स की तादाद है, मिकदार नहीं। अब आते हैं दूसरी तरफ। मच और मैनी का कंसेप्ट जो है हम यहाँ पे सीख चुके हैं, मच मिकदार के साथ और मैनी तादाद के साथ। लेकिन ये जो हाउ मच या हाउ मैनी है ये इंट्रोगेटिव में यूज़ होता है, यानी अगर हम किसी से कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो हम पूछना चाह रहे हैं कि ये चीज़ कितनी मिकदार में या कितनी तादाद में है। फर्स्ट एग्जांपल है, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक? अब मिल्क की मिकदार पूछी जा रही है, तादाद नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ आई ड्रिंक 2 glasses ऑफ मिल्क। सेकेंड है, हाउ मच टाइम डज ही टेक इन गेटिंग रेडी? वो तैयार होने में कितना टाइम लेता है? तो टाइम की भी यहाँ पे मिकदार है, हाउ मच टाइम, कितना टाइम। यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर पे ज़रा फोकस करना है आपने, कि इंट्रोगेटिव में जब हम हाउ मच या हाउ मैनी यूज़ करते हैं तो पहले हाउ मच, जिस तरह हम इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस स्ट्रक्चर था उसमें पढ़ चुके हैं कि WH वाले इंट्रोगेटिव वर्ड्स सब्जेक्ट से पहले आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ पे आपने गौर करना है कि हाउ मच और मिल्क
ये जिस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है वो सब्जेक्ट से पहले लगी हुई है। इंट्रोगेटिव में हम क्या करते थे, हाउ वाई व्हेन वेयर सिर्फ इसको पहले लगाते थे और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाते थे, लेकिन यहाँ पे देखें कि वो चीज़ भी साथ सब्जेक्ट से और हेल्पिंग वर्ब से पहले ही आएगी। सबसे पहले वो चीज़ की मिकदार जितनी पूछी जा रही है पहले वो लगा हुआ है, हाउ मच मिल्क, फिर ये सब्जेक्ट है इसमें। और इंट्रोगेटिव में हम बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चूंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जब हमने हाउ मच या हाउ मैनी और साथ वो नाउन या वो चीज़ जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो भी साथ लगानी है, तो फिर आगे से मेन सेंटेंस स्टार्ट होगा, हाउ मच टाइम डज ही टेक इन गेटिंग रेडी। अब हाउ मैनी का जो यूजेज है उसको देखते हैं। हाउ मैनी, मैनी तादाद है, मच मिकदार है, सिंपल में भी और इंट्रोगेटिव में भी। अब अगर मैंने किसी चीज़ की तादाद पूछनी है तो मैं हाउ मैनी यूज़ करूँगा, अगर मैंने किसी चीज़ की मिकदार पूछनी है तो हाउ मच यूज़ करूँगा। तो हाउ मैनी बुक्स डू यू रीड इन अ ईयर, तो एक साल में तुम कितनी किताबें पढ़ते हो। यहाँ पे देखें सब्जेक्ट ये है, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट से पहले ही आएगा। इसका मतलब ये है कि हाउ मैनी बुक्स डू यू रीड इन अ ईयर, तुम साल में कितनी किताबें पढ़ते हो। हाउ मैनी रोजेज डिड यू बाय, तुमने कितने गुलाब खरीदे, तो हाउ मैनी रोजेज ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम जो जिसमें सिर्फ वाई व्हेन वेयर हाउ यूज़ होता है वो लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो पूरा स्ट्रक्चर जो है हाउ मैनी जिस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है वो लगाएंगे पहले, और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बाकी सेंटेंस का बाकी हिस्सा आएगा। तो हाउ मैनी कप्स ऑफ मिल्क, अब मिल्क था तो हाउ मच मिल्क होगा, अगर कप्स ऑफ मिल्क है या ग्लासेस ऑफ मिल्क है तो फिर हम हाउ मैनी लगाएंगे। हाउ मैनी कप्स ऑफ मिल्क हैव यू ड्रंक, तुमने दूध के कितने कप या कितने ग्लास पिए हैं, तो हाउ मैनी कप्स ऑफ मिल्क हैव यू ड्रंक। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ फ्रूट हैज ही ग्राउन इन हिज गार्डन, अब यहाँ पे काइंड्स जो है वो तादाद है, वो 10 काइंड्स हो सकती हैं, वो 15 काइंड्स हो सकती हैं, वो जितनी भी हैं, यानी उसने अपने बाग में कितनी किस्म के फल लगाए हैं। अब यहाँ पे भी पोजेसिव एडजेक्टिव है, हम बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं हम कि हाउ लॉन्ग और सिंस वेन का यूज़ कैसे होता है। हाउ लॉन्ग का जो कंसेप्ट है, पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि कोशिश करें कि सिंस हाउ लॉन्ग या फार हाउ लॉन्ग से परहेज़ करें। हम लगा लेते हैं, चला लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। जो मेन स्ट्रक्चर है वो इससे बनता है, हाउ लॉन्ग, कि तुम कितनी देर से, जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दैट कार, तुम्हारे पास ये कार कितनी देर से है। टेंस कौन सा है भला, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट पिछली वीडियो में जो कंपैरिजन था, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, उसमें बड़ी डिटेल से मैं बता चुका हूँ कि हम हैज़ हैव जो टेंस है उसमें भी सिंस फॉर के साथ वक्त का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें हाउ लॉन्ग, कितनी देर से, हैव यू हैड दैट कार, ये कार तुम्हारे पास कितनी देर से है, तो हाउ लॉन्ग हैव हेल्पिंग वर्ब है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। अब ये क्या आ गया जी, हैड भी आ गया, यहाँ पे कंसेप्ट समझ। वैसे मैं इस पे डिटेल से एक वीडियो बनाऊँगा कि इज एम आर, डू डज डिड, वाज वर बीन, हैज हैव हैड, ये किस तरह हेल्पिंग वर्ब और किस तरह एज अ वर्ब यूज़ होते हैं। यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ ये पॉइंट ताकि आपको समझ आ जाए लिखा हुआ हैव एज अ वर्ब है, हैव उसकी फर्स्ट फॉर्म है, हैड हैड दूसरी तीसरी फॉर्म है और हैविंग उसकी आईएनजी फॉर्म है। और अगर हमने सिंगल के साथ यूज़ करना है तो हैज़ यूज़ करते हैं, अगर प्लूरल के साथ यूज़ करना है तो हैव यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट से पहले हैव लगा हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हैड है, हैज़ है, के साथ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, थर्ड, तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे लगी हुई है, इसका मतलब हैव है रखना, पास होना। तो हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दैट कार, तुम्हारे पास वो कार कितनी देर से है, तो मैं आगे जवाब उसी टेंस में दे सकता हूँ, आई हैव, हेल्पिंग वर्ब है, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आई हैव हैड इट या आई हैव हैड दैट कार फॉर 6 years। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग देयर, ये प्रेजेंट परफेक्ट था, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है,
तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग देयर है। एक पॉइंट जो था वो मुझसे मिस हो गया था पिछली वीडियो में, मैंने ये बताना था कि हैज़ बीन हैव बीन जब भी हेल्पिंग वर्ब एक वर्ड से ज़्यादा अल्फाज पे मुश्तमिल हो, हमने नाट लगाना है तो पहले हिस्से के बाद लगाना है। जैसे हैज़ बीन हैव बीन है तो हैज़ नाट बीन और हैव नाट बीन आएगा, और अगर इंट्रोगेटिव में हैज़ बीन हैव बीन में से यूज़ करना है तो पहले हम पहले हिस्से को सब्जेक्ट से पहले लेके आएंगे, यानी हैज़ बीन हैव बीन है तो ये सब्जेक्ट है, तो हम हैज़ या हैव को सब्जेक्ट से पहले लेके आएंगे, बीन उसी साइड पे रहेगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग देयर, तुम वहाँ कितनी देर से काम करते रहे हो, तो मैं उसका आंसर इस तरह से दे सकता हूँ, आई हैव बीन वर्किंग देयर फॉर 10 years। अब ये स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव है, इसमें देखें सब्जेक्ट है, हैव पहले आ गया, बीन वहीं पे है, ये सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंपल सेंटेंस है, तो इसमें हैव बीन हैज़ बीन ये इकट्ठा यूज़ हुआ है, फिर वर्ब आया, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सिंस फॉर लगा के वक्त लगाएंगे। देखें ज़रा, कभी पढ़ा सिंस वन, जब हमने अमाउंट में जवाब देना हो या अमाउंट बतानी हो कि वो इतनी देर से ये काम करता रहा है तो फॉर लगा के टाइम लगाते हैं, जब हमने पॉइंट बताना हो तो फिर हम सिंस लगाते हैं। बड़ी तफसील से हम पढ़ चुके हैं इसको, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव पूछा जा रहा है और वो पर्टिकुलर पॉइंट पूछा जा रहा है कि कब से, सिंस व्हेन हैव यू बॉट दैट कार, यानी कब से तुमने ये कार खरीदी हुई है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंस फॉर लगा है ना तो इसमें भी लग सकता है, तो मैं उसी टेंस में यानी प्रेजेंट परफेक्ट में ही जवाब दूंगा, आई हैव बॉट इट सिंस 2015। दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैव टुडे। कीप वॉचिंग इंग्लिश विद फरहान। थैंक यू।